बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक कढ़ाई दी है हमने, अब हम इसमें 3 खाना पकाने वाले चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को अब हम गर्म होने देंगे। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको धो के हमने ब्रीक काट दिया, ऐड कर देंगे। प्याज को अब हम थोड़ा सा सुनहरा कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह के करम से सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको दुनिया की तमाम खुशियां अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज की वीडियो में हम बनाने लगे हैं आलू चिकन मेथी। आलू चिकन मेथी बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। जब तक प्याज सुनहरा हो रहा है तब तक हम वेजिटेबल काट लेते हैं। मेथी को हमने साफ कर लिया, अब हम मेथी को कट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेथी हमने कट कर ली है, अब हम इसी तरह से सारी मेथी कट कर लेंगे। प्याज थोड़ा सा सुनहरा हो गया, अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्चें चॉप की हुई 4 टेबलस्पून। अब हम लहसुन अदरक को उस वक्त तक भूनेंगे लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए। मेथी हमने सारी अच्छी तरह से कट कर ली है, अब हम मेथी को 2-3 पानी अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि जम्स और मिट्टी अच्छे से निकल जाए। ग्रीन वेजिटेबल्स में जम्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स को अच्छे से धोया करें। लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। चिकन हमने 1 केजी लिया है। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम चिकन को 2 मिनट भून लेंगे। चिकन डाल के हमने 2 मिनट भून लिया, अब हम इसमें फोड़न मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। फोड़न मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फोड़न मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज के टमाटर थे, इनका हमने पेस्ट बना लिया, ऐड कर देंगे। अब हम 2 मिनट और भून लेंगे। टमाटर का पेस्ट डाल के हमने 2 मिनट अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब हम ढक के उस वक्त तक पकाएंगे चिकन हाफ डन हो जाए। चिकन हाफ डन हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल। पहले आलू ऐड कर देंगे। आलू हमने आधा किलो लिए हैं, आलू को धो के हमने इस शेप में काट लिए, ठीक है। आलूओं के साथ ही हम मेथी ऐड कर देंगे। अब हम वेजिटेबल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, अब हम सब्जी को ढक्कन के बगैर 5 मिनट इसी तरह से पकाएंगे। अगर ढक्कन दे देंगे तो मेथी कड़वी हो जाएगी। ढक्कन के बगैर वेजिटेबल को हमने 5 मिनट पका लिया, अब हम ढक के उस वक्त तक पकाएंगे आलू डन हो जाए। 5 मिनट ढक के पका लिया, आलू डन हो चुके हैं, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। आलू चिकन मेथी हमने डिश आउट कर लिया, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का तैयार हुआ।
आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, हमें दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।